अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल कुकिंग विद किड्स फूड सीक्रेट्स। आज जनाब मैं आपके लिए कोई भी रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको विजिट करवाऊंगी, छत की सैर करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि छत पर कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये मिनी गुलाब है या गुलाब की बेल भी कहते हैं इसको। इसके ऊपर बहुत छोटा सा गुलाब लगा हुआ है, बहुत छोटा सा। इसके ऊपर छोटे छोटे गुलाब लगते हैं, इसको गुलाब की बेल कहते हैं। आइए आपको छत पे लेके जाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, छत पे कौवा भी बोल रहा है और टैंकी भी भर गई है। तो चलें सबसे पहले टैंकी का पानी बंद करते हैं, मोटर बंद करते हैं, पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो ये है जी स्विच, ये मैंने ऑफ कर दिया है। चलें जी छत दिखाती हूँ आपको, पौधे दिखाती हूँ। ये पूरा व्यू पहले देखिए छत का, कितने ढेर सारे गमले हैं। कौवा तो आज बहुत ही शोर कर रहा है, लगता है बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, मुझे ना इन सब पौधों के नाम नहीं आते, बस जो एक दो चार मशहूर पौधे हैं, गुलाब, मोतिया, सरसों, इस तरह बस उन्हीं के नाम आते हैं। इससे ना छत बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस के घर में इस तरह छत पे पौधे लगे हुए हैं, किसको शौक़ है गार्डनिंग का, प्लांटिंग का, किसको शौक है, किसने अपने घर में इस तरह ढेर सारे गमले लगाए हुए हैं, छत पे छोटा सा बगीचा किसने बनाया, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और पौधों के बारे में अगर किसी के पास कोई मालूमात हो तो वो ज़रूर। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना ग्रीन शेड, ये यहाँ ऊपर ये जो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं, इस पर डाला हुआ था धूप से बचने के लिए, तो ये थोड़ा सा फट गया था तो इसको उतार दिया है, नया लगेगा इंशाल्लाह। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे ढेर नज़र आ रहा है कि ये अभी उतार के रखा है, ये सारा ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना आपको, वहाँ से उतारा है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, क्या पौधे का नाम तो जहन से निकल जाता है, एलोवेरा। हाँ, एलोवेरा, ये मिनी एलोवेरा है, ये बड़ा एलोवेरा है, ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है ना पौधा। इसके ऊपर देखिए कैसी खुदा की कुदरत है, देखिए ऐसे लग रहा है पेंट के छींटे डालने हैं ऊपर, लेकिन ये कुदरती है, नेचुरल है। भाई मुझे नाम नहीं आते हैं पौधों के, बस जो अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इनके पेंट है, कलर है। अल्लाह से ज़्यादा बड़ा तो कोई मुसव्विर, कोई आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता। नहीं देखिए गुलाब है, गुलाब का नाम आता है, मोती का आता है, एलोवेरा का आता है और एक सरसों का, ये सरसों का पौधा, सरों का पौधा जिसे कहते हैं। बस यहाँ सूरजमुखी की पहचान है। बहुत सारे इकसाम के यहाँ पे गमलों में पौधे हैं, बेलें भी लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो बड़ा आपको पॉट नज़र आ रहा है ना, इसमें सनफ्लावर था, आई थिंक पता नहीं ड्राई हो गया ये, हाँ गिर गया। ये देखिए, ये सनफ्लावर था, ख़राब हो गया। ये डक कितनी प्यारी है। अच्छा भाई, आपने ना अब मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आपको हमारी छत कैसी लगी, पौधे कैसे लगे, और अगर आपके घर में भी इसी तरह छत पे कोई बगीचा है, पौधे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कुकिंग विद किड्स फूड सीक्रेट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह अब नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।